हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप यूपीएससी। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी सीसेट 2020 के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम टोटल 44 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो 2020 का पेपर था उसमें 44 क्वेश्चन सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के थे, यानी कि मैथ वाले सेक्शन के। तो अगर मैं पेपर की बात करूं, थोड़ा एनालिसिस करके देखूं, तो 2020 में तीन सेक्शन पूछे गए थे हमारे पास। इंग्लिश का सेक्शन था जिसमें 25 एमसीक्यू थे, उसके बाद हमारे पास रीजनिंग का सेक्शन था जिसमें 11 एमसीक्यू पूछे गए थे, और उसके बाद आएगा हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको हम बेसिक न्यूमेरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, जनरल मेंटल एबिलिटी इन नामों से जानते हैं। तो उसमें 44 एमसीक्यू थे। ठीक है, अब देखो, पहली बार ऐसा हुआ था, अगर मैं सीसेट के इतिहास की बात करूं, तो पहली बार ही ऐसा हुआ था कि रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत कम है और मैथ के क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। ठीक है, हालांकि ये प्रोग्रेस जो है ये स्टार्ट हो चुकी थी 2018 से। 18 से आपने देखा होगा कि 2018 में मैथ के क्वेश्चन 32 थे, रीजनिंग के क्वेश्चन 18 थे, है ना, कम होने शुरू हो चुके थे। 18 से पहले क्या होता था, 17 के पेपर की बात करूं तो रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा होते थे एज कम्पेयर टू मैथमेटिक्स। ठीक है, ऐसे 19 में भी आपने देखा कि हमने 30 से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस किए थे। 22 वाले पेपर में भी 32 क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे मैथ वाले सेक्शन से। तो ये वही चीज है, ये मतलब ये स्टार्टिंग वाला एरा है जब सीसेट में क्या हुआ, मैथ इंट्रोड्यूस किया गया हाई लेवल पे, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो सीसेट के, उसके मैथ के पूछे जाते थे। तो यूपीएससी सीसेट 2020 को आज तक का सबसे मुश्किल पेपर बोला जाता है, सीसेट के अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो, क्योंकि इसमें लेवल ऑफ क्वेश्चंस काफी अच्छे थे, और सबसे बड़ी बात, जो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है रीजनिंग, उसके क्वेश्चन सबसे कम थे। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि अगर मुझे सीसेट का पेपर क्वालिफाई करना है तो रीजनिंग पढ़ लो, रीजनिंग से ही क्वालिफाई हो जाता है, लेकिन यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन कम थे और मैथ के क्वेश्चन ज्यादा थे, और मुश्किल भी थे। जो मुश्किल इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि सोल्व नहीं होंगे, सोल्व तो हो जाएंगे, लेकिन आंसर क्या मार्क करना उसका पता नहीं चलता। तो मतलब काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे उसमें। ठीक है, और अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश के जो कॉम्प्रिहेंशन थे वो तो आपको पता ही है कि किस लेवल के आजकल आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो ये रहा जी क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अब हुआ क्या, इसमें जीरोस फाइंड आउट करनी है। जीरोस वाला कंसेप्ट तो हमें पता है कि कैसे करते हैं, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, बस बात यही है कि अगर गिनने में थोड़ी सी गलती हुई तो क्वेश्चन गलत। ठीक है, तो जीरो किस तरीके से आता है, जीरो कैन बी मेड बाय द पेयर ऑफ 2 × 5। जितने 2 और 5 के पेयर बनेंगे उतने ही हमारे पास क्या रहेंगे, जीरो। तो पहले मैं क्या करूंगा, 2s काउंट करूंगा कि कितने हैं। तो 2s अगर देखो तो यहां पे देखो 5 × 2, यहां पे देखो 5 × 2 × 2, यहां पे आ जाएगा 5 × 3 × 2, यहां पे रहेगा 2 × 2 × 2 × 5। ठीक है, यहां पे आ जाएगा 2 × 25, हेयर इज 4, यानी कि 2 × 2 × 15। ठीक है, बस ये रहे। तो अगर मैं 2s काउंट करता हूं तो कितने आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 2s की वैल्यू कितनी है, 10 है। ऐसे अगर मैं 5s की बात करूं कि 5s कितने हैं, तो 5s काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे 11, 12, 13, 14, ये कितने हैं, 14 है। तो हमें क्या देखना है, हमने 2 और 5 के क्या देखने हैं, पेयर। तो पेयर अगर आप देखोगे तो पेयर तो 10 ही बनेंगे ना, क्योंकि 10 बार 2 आ रखा है, तो 10 बार ही 5 उठाओगे तो 10 पेयर बन जाएंगे। तो इसका आंसर भी क्या रहेगा, 10 रहेगा। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। तो ये पहला क्वेश्चन इस तरीके से होना था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखा हुआ है कि लेट एक्स वाई जेड बी अ 3-डिजिट नंबर वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, देन एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई इज नॉट डिविजिबल बाय। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। तो देखो, जब भी आपको ऐसे गिवन हो कि एक 3-डिजिट नंबर एक्स वाई जेड वेयर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, तो आप एक्स वाई जेड की कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लो, बस 3 से वो डिवाइड नहीं होनी चाहिए। तो मैं x को मान लेता हूं 1, क्योंकि स्मॉलर वैल्यू मान के चलेंगे, y को मान लेते हैं 2 और z को मान लेते हैं 4। तो x plus y plus z, 4 + 2 + 1 7 हुआ, which is not divisible by 3, कर ली बस वैल्यू पुट। अब आपको क्या बोला गया है कि
एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई इज नॉट डिविजिबल बाय। तो भाई एक्स वाई जेड कैसे लिखोगे, 1 2 4। वाई जेड एक्स कैसे लिखोगे, 2 4 1, ठीक है। और जेड एक्स वाई कैसे लिखोगे, 4 1 एंड 2। तो अगर मैं इनको ऐड करता हूं इट बिकम 7 7 7। तो आपसे बोला गया है कि ये वाला नंबर किससे डिवाइड नहीं होगा, इनमें से किससे डिवाइड नहीं होगा। तो सबसे पहले देखो जी, अगर मैं बात करूं 3 की, तो क्या ये 3 से डिवाइड होता है? 3 से अगर मैं डिवाइड करता हूं, 3 into 2 6 1 कैरी, 3 into 5 15, 2 कैरी, और ये 9 से, 259 से 3 से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब ये आंसर नहीं होगा। एक्स वाई जेड की बात करें तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना बनेगा, 7। तो 7 से भी डिवाइड हो जाता है, ये 1 1 1 से है ना, तो ये भी आंसर नहीं होगा। बचा क्या, 9 और 37। अब यहाँ पे 37 अगर मैं लेके चलता हूँ, तो 777 upon 37 अगर करता हूँ, तो 37 into 2 क्या होता है जी, 74। तो 3 कैरी होगा और ये 1 से कैंसिल, 37 से भी कैंसिल हो जाता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और बचा क्या है, 9। तो 9 से भी करके देख लो, हालांकि आंसर 9 नहीं होगा, बट अगर मैं इससे करके देखता हूँ तो 9 8 72 और 5 बचा, तो 9 गुना, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो पूरा 57 से कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 9, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सॉरी 9 आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने तो सबका एक एक करके सोल्व करवाया है, आपने ऊपर से चलना है। जैसे सेकंड ऑप्शन पे 9 है, तो 9 अगर मल्टीपल नहीं है तो सीधा आंसर, आपको बाकी के प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्या बोला गया है कि लेट पी क्यू आर एंड एस बी नेचुरल नंबर सच दैट पी माइनस 216 इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू प्लस 217 इज इक्वल टू आर माइनस 218 इज इक्वल टू एस प्लस 2019। ऑल आर, ये सारे क्या है, इक्वल है, मतलब इक्वल का साइन लगा हुआ है, मतलब इस तरीके से देखो बच्चे, पी माइनस 2016 बराबर है क्यू प्लस 2017 बराबर है आर माइनस 2018 बराबर है एस प्लस 2019। आपको बोला गया बच्चों, द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट, इनमें से सबसे बड़ा कौन है? तो भाई देखो, दो ऑप्शन तो सीधी सीधी इलिमिनेट होंगी, क्योंकि देखो पी से 2016 माइनस करेंगे ना, तब जाके क्यू प्लस 2017 आएगा, तो ये नंबर हाईएस्ट तो नहीं होगा, क्यू हाईएस्ट तो नहीं होगा ना, ये मतलब पी से कम ही होगा, और ये वाला नंबर भी पी से कम ही होगा। बचा क्या है, ये और ये। अब इन दोनों में अगर हम देखें कि भी पी से 2016 घटा दो और आर से 2018 घटा दो तो बराबर हो जाते हैं, तो देखो आर से ज्यादा नंबर कम हुआ, फिर भी ये इसके बराबर हुआ है, तो कितना ज्यादा होगा ये, पी से 2 है ना। देखो इससे 2000, मैं देखो सिंपल सी बात है, पी से 2016 रुपए लिए और आर से 2018 रुपए लिए, फिर इनके पास बराबर पैसे हो गए, तो मतलब ज्यादा पैसे किसके पास हुए, आर के पास ना, क्योंकि इससे ज्यादा पैसे लिए फिर भी ये इसके बराबर ही है ना। तो आर के पास कह सकते हैं 2 रुपए ज्यादा किससे, पी से। तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास, इसका आर रहेगा, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट बोला जाता तो सेकेंड लार्जेस्ट होता पी, समझ गया बात को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको कि हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर्स कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग ऑल द डिजिट्स 1 2 3 4 5 विदाउट रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स। कि देखो आपको कहा गया है कि 5 डिजिट का आपको बताओ कितने प्राइम नंबर बनेंगे बाय यूजिंग 1 2 3 4 5 विदाउट रेपिटेशन। मतलब अगर एक बार एक आ चुका है तो पूरे के पूरे उसमें नंबर में दोबारा एक नहीं आएगा, यही है ना। मतलब ऐसे नंबर बन सकता है या फिर इस तरीके से नंबर बन सकता है, ठीक है, या फिर 4 3 2 1 5 ऐसे नंबर बन सकता है, मतलब रेपिटेशन ही होगी। तो कोई भी आप नंबर लिखोगे उसमें ये 5 डिजिट एग्जिस्ट करेंगे, है ना। तो देखो अगर ये 5 डिजिट एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर मैं इनका सम ऑफ डिजिट देखूं, तो सम ऑफ डिजिट क्या बन रहा है, 15। सम ऑफ डिजिट क्या बन रहा है, 15, विच इज डिविजिबल बाय 3। तो अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है, डिविजिबिलिटी रूल अगर आपने पढ़ा है, तो बच्चे 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, 3 से डिवाइड होने चाहिए, ठीक है ना। तो अगर ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, अगर मान लो जी सारे नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो वो प्राइम नंबर तो नहीं होंगे, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता है, या तो 1 से डिवाइड हो या उस पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो, है ना। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 0।
इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चे हमसे कि इन दी सम आर है, जिसके ऊपर सर्कल लगा कोई नंबर है ठीक है, प्लस 1R प्लस 5R प्लस RR प्लस R1 इज इक्वल टू 1RR, फॉर विच डिजिट डज द सिंबल आर रिप्रेजेंट्स। इनमें से तो बताओ R का सिंबल क्या होगा। तो देखो इस तरीके से है, R प्लस 1R प्लस 5R प्लस RR प्लस R1 इज इक्वल टू 1RR। तो इसको करना कैसे है, तो अपनी तरफ से कुछ ज्यूम नहीं करना, बस वैल्यू पुट करो आर की, टू पुट कर दो। चलो अगर मैं टू पुट करता हूं तो 2, 4, 6, 8 और 9 सम करेंगे तो 9 आया ठीक है। आर की वैल्यू अगर मैंने टू पुट करी तो यहाँ पे सम में यूनिट प्लेस पे क्या है 9, बट यूनिट प्लेस में 9 नहीं आर आना चाहिए भाई, आर आना चाहिए मतलब 2 ही आना चाहिए यूनिट प्लेस पे भी, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है वो वैलिड नहीं है। तो अगर मैं 3 पुट करता हूं तो 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 प्लस 1, 13, तो यहां भी 3 आ गया ना, 13 आ गया था ना, और 1 कैरी, समझ रहे हो। उसके बाद देखो 1 अगर कैरी हुआ है तो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 3 13, फिर 3 आ गया, आर की वैल्यू 3 बन रही है अभी भी, और 13 बनाया तो 1 पीछे लिखा हुआ ऑलरेडी ठीक है। तो आर की वैल्यू जो 3 है ना वो इस इक्वेशन को प्रॉपर सेटिस्फाई कर रही है, तो आगे ऑप्शन आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे 3 रहेगा ठीक है। बेसिक न्यूमेरेसी का क्वेश्चन होता है ये, कोई मतलब कि कंसेप्ट नहीं लग रहा, बस ऑप्शन पुट करके आंसर निकालने हैं, और ये क्वेश्चन मुश्किल होते हैं आसान नहीं होते, क्योंकि पता ही नहीं चलता कैसे करना है, तो अगर बाय ऑप्शन करोगे तो इजीली कर लोगे। ये तो इजी क्वेश्चन था, आपसे बोला गया था इफ यू हैव टू स्ट्रेट स्टिक्स ऑफ 7.5 फीट एंड 3.25 फीट, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ दैट कैन यू मेजर, मिनिमम लेंथ दैट कैन यू मेजर। ये एचसीएफ का क्वेश्चन था बच्चे, जब हम एचसीएफ करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करते हैं, जिसको हम महत्तम समवर्तक भी बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम ऐसे क्वेश्चन बहुत करेंगे, तो जब भी कभी इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपने क्या करना है, दोनों का एचसीएफ लेना है, और इनका एचसीएफ क्या होता है 0.25, तो यही इसका आंसर होगा, बस एचसीएफ लेना है, टेक एचसीएफ यू विल गेट योर आंसर, समझ लीजिए बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला गया है कि भाई अ सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ ईच नंबर ऑफ द सीक्वेंस 14, 18, 20, 24, 30 एंड 32 ठीक है। आगे एक और लिखा हुआ है, रिजल्ट्स इन ए सीक्वेंस विच विद रिस्पेक्ट टू प्राइम नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीक्वेंस। अब हुआ पता क्या कि उसने सीरीज तो दे दी और साथ में लॉजिक भी दे दिया कि इसमें जो लॉजिक लगा है ये विद रिस्पेक्ट टू प्राइम नंबर्स है ना। हालांकि अगर ये चीज ना भी लिखी होती तब भी निकल सकता था, बट मुद्दा यह है कि निकाले कैसे। देखो जब भी हम सीरीज का कोई क्वेश्चन करते हैं तो हम मोस्टली क्या देखते हैं, डिफरेंस, बट ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन जो है वो डिफरेंस वाला बिल्कुल भी नहीं है, ये क्वेश्चन प्राइम नंबर के साथ एसोसिएटेड है। पता कैसे, ये देखो 13 प्लस 1, 17 प्लस 1, 19 प्लस 1, 23 प्लस 1, 29 प्लस 1, 31 प्लस 1, प्राइम नंबर से एक ज्यादा, और सीरीज चल रही है 13, 17, 19, 23, 29, 31, आगे क्या आएगा 37, तो आगे आना चाहिए 37 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 38, ऑप्शन में है ना, थर्ड ऑप्शन में। तो ये थी सीरीज हमारे पास, मतलब ये हम सोचते भी नहीं है कि ऐसे भी कभी हो सकता है कुछ, हम डिफरेंस निकालने की कोशिश करेंगे, मतलब अपने 2-3 मिनट वेस्ट कर देंगे आराम से, इसीलिए इस पेपर को मुश्किल माना गया, मुश्किल भी और ईजी भी कह सकते हो आप, क्योंकि अभी मैं सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ तो आपको ईजी लग रहा होगा, बट नहीं, जब ये 2020 में जब पेपर हुआ था ना तब बच्चे तब सुनना क्या बोलते थे, ये मतलब कि सी सेट तो मतलब कि अलग ही लेवल का हो चुका है, कैट लेवल के साथ इसको कंपेयर किया गया कि कैट के बराबर का पेपर है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, वन पेज इज टॉर्न फ्रॉम द बुकलेट हुज पेजेस आर नंबर्ड इन द यूजुअल मैनर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पेज एज 1, द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द रिमेनिंग पेजेस इज 195 ठीक है। आपसे बोला गया था टॉर्न पेज कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, टॉर्न पेज कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब देखो हुआ क्या, नंबरिंग अगर मैं बुक ही करता तो ऐसे होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू n नंबर्स है मान लो ठीक है। अब वो क्या हुआ, कह रहा है कि एक पेज फाड़ दिया, एक पेज फाड़ने का मतलब क्या है कि मतलब ज्यादा ज्यादा तो एक दो फाड़ा होगा, 3, 4, 5, 6 या 7, 8 मान लो ये वाला पेज हमने फाड़ दिया ठीक है, तो उससे क्या होता है कि
कि जो सम ऑफ नंबर्स है ये कितना बनता है 195। सम ऑफ नंबर्स है कितना बनता है 195। आपसे बोला गया है कि बताइए कि कौन से पेज नंबर फाड़े हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया कि ऐसे मान लो ये पेज फाड़ दिया, तो अगर मान लो कोई वजह से 5-6 फाड़ दिया मान लो, तो उसके बाद सम क्या बनता है 195। तो बताओ उसमें कौन सा पेज फाड़ा होगा। अब एक चीज समझना बेटा, ये क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 नेचुरल नंबर्स की सीरीज, ठीक है। और नेचुरल नंबर्स में क्या होता है जी कि जो सम होता है वो क्या होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय, ये होता है सम ऑफ नंबर्स, ठीक है। मतलब जो टोटल पेजेस रहे होंगे, टोटल जो सम रहा होगा वो इस फॉर्म में आएगा n इंटू n प्लस 1 में, इंक्लूडिंग द दीज पेजेस, इंक्लूडिंग दीज टू पेजेस, ठीक है जी। सम कितना बनना चाहिए n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो अगर आप यहाँ पे बेटा बेटा ध्यान से देखोगे, समझने की कोशिश करना है इसको, तो n इंटू n प्लस 1 अगर आप करोगे तो यहाँ पे सम बनेगा कितना। अगर मैं सम बनाने की कोशिश करूं तो ये जो सम बनेगा हमारे पास, ये हमेशा ही दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट करके बनेगा, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट करके बनेगा कि नहीं। ये देखो n इंटू n प्लस 1, तो n मान लो अगर 8 है तो n प्लस 1 9 होगा, है ना। तो 9 8 72, दो कंसेक्यूटिव नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे भी आपने क्या देखना है कि भाई अगर सम ये 195 है तो ये जो सम है उससे थोड़ा सा कम होगा, सॉरी है ना, थोड़ा सा क्या होगा, ये कम होगा। क्यों? क्योंकि एक पेज फाड़ दिया गया है, एक पेज हमने निकाल लिया है, इसलिए जो एक्चुअल सम रहा होगा उससे थोड़ा सा ये क्या रहा होगा, कम रहा होगा, ठीक है ना। अब इसमें समझना बच्चे, आपने एक ऐसा नंबर देखना है जो 195 से ज्यादा हो। सिंपल तरीका देखो करने का, आपने एक ऐसा नंबर देखना है जो 395 से, सॉरी 195 से क्या हो, ज्यादा हो, और दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट हो, कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट हो। जैसे 8 × 9 72 होता है, 9 × 10 90 होता है, 10 × 11 110 होता है, उसी तरीके से 14 × 15 क्या होता है जी 210, ठीक है। मतलब कोई भी आप अगर बुक लिखते हो, कोई भी अगर आप बुक बना रहे हो, तो उसमें अगर आप देखोगे, कोई भी बुक अगर आप बना रहे हो तो उसमें जब भी आप कभी सम ऑफ नंबर्स देखोगे, पेजेस नंबर का सम देखोगे, वो ज्यादा तो क्या होगा 3 होगा, 1 + 2, या फिर 3 + 4 7 सम आएगा, या फिर इसी तरीके से 9 × 8 क्या होगा, सॉरी 12 सम आएगा, या फिर 9 8 72 सम आएगा, 110 सम आएगा, इस तरीके से चलेगा। क्यों ऐसे चलेगा? क्योंकि सम क्या होता है एन इंटू एन प्लस 1 करके, समझ रहे हो ना बात को। तो यहाँ पे क्या करा मैंने कि 195 से ऊपर ऐसा नंबर देखा जो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट करके आता हो, तो वो कौन सा नंबर है 210। अब 210 में से कितने नंबर माइनस करूं कि 195 आ जाए, तो यहाँ पे 195 माइनस किया था कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है जी। तो 15 देखो कौन से पेजेस का सम है, 7 और 8 का, मतलब 7वां नंबर और 8वां नंबर आपने फाड़ दिया होगा, तब बचे होंगे 195 सम बचा होगा, ठीक है ना। तो टोटल सम कितना था पेजेस का 210, अब कितना है 195, तो माइनस कौन से हुए हैं 7 एंड 8, 7 एंड 8, समझ गए ना। अगर मान लो ऐसे होता कि भाई जो नंबर आ रहे हैं हमारे पास वो आ रहे हैं 191, ठीक है, जैसे 195 लिखा हुआ है, अगर 191 होता तो फिर भी हम ऐसे ही करते कि टोटल सम तो 210 है, ठीक है, तो उसमें से 191 माइनस कर दिया 19 बचा, तो कौन कौन से पेज फटे होंगे 9 और 10, 9 और 10 19, इस तरीके से करेंगे इसको, ठीक है। तो जितना भी सम गिवन है वो देखो, उससे नेक्स्ट वाला कोई ऐसा नंबर जो दो नंबर्स को प्रोडक्ट करके आया हो कंसेक्यूटिव, फिर जो डिफरेंस होगा वही पेजेस का सम होगा जो फाड़े गए हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A3BC एंड DE2F बी 4 डिजिट नंबर्स वेयर ईच लेटर रिप्रेजेंट डिफरेंट डिजिट्स ग्रेटर देन 3। इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 15902 देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ ए एंड डी। हाँ, ये थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है। A3BC DE2, ठीक है, कह रहे कि A B C D E F जो भी है नंबर यहाँ पे गिवन है, जैसे ABC है DEF है, ये डिस्टिंक्ट नंबर है, अलग अलग नंबर है, ठीक है। वेयर ईच लेटर रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट डिजिट ग्रेटर देन 3, 3 से ज्यादा। अब इनका सम कितना है भाई हमारे पास 1590,
तो अपनी मर्जी से नंबर ज्यूम करेंगे, अगर मान लो निकल आया सिक्का पूरा रिजल्ट सेम आ गया तो ठीक है, अदरवाइज दूसरा नंबर देख लेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले मैं यहाँ पे 8 पुट करता हूँ, यहाँ पे 4 पुट करता हूँ। हालांकि 9 और 3 भी पुट किया जा सकता है, पर नहीं कर सकते क्यों, क्योंकि नंबर ग्रेटर देन 3 है। तो मैंने 8 और 4 पुट करा है, 7 और 5 भी पुट हो सकता है, सॉरी, है ना। तो वो देखते हैं, अगर इससे निकल गया तो ठीक है, नहीं तो 7 और 5 पुट करेंगे, और कोई ऑप्शन नहीं बनेगी, या तो 8 और 4 या 7 और 5। तो 8 और 4 12, 2 1 बचा। अब अगर यहाँ पे 0 आएगा तो 2 प्लस 1 3, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। ठीक है, कट गया पूरा, कट गया ना पूरा, 0 आ गया। अब यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चे मेरे पास, 9। अब ये 9 कैसे आएगा जी, देखो 7 और 2 8 और 2 क्या हो गया, 10, और यहाँ पे 1 कैरी, तो 3 और 1 4, और यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी बनेगी, 5, क्योंकि 9 बनाना मुझे, ठीक है, 9 बनाना मुझे। अब बचा क्या है पीछे जी, ए और डी, और सम कितना है, 15। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक जगह लिख लो 9, एक जगह लिख लो 6, और कोई नंबर नहीं लिखेंगे, 8 और 7 नहीं लिखना क्योंकि 7 आ चुका है, 8 आ चुका है, तो यहाँ पे 9 और 6 लिख लिया, कितना आ गया, 15 आ गया, डिफरेंस कितना है, 3 का। ठीक है, अब देखो मान लो मेरा पहली बार में मिल गया, अब हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट इस तरीके से करें, A3BC DE2F, कितना बन रहा है ये, 15902। हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट इसको 7 मान ले, इसको 5 मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 और 5 12 2 1 बचा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 प्लस 1 3, और यहाँ पे बी की वैल्यू 7 पुट करेंगे, 10 01 आ गया। यहाँ पे 3 और 1 कितना हो गया, 4, 4 और 5 कितना होगा जी, 9, 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9। अब बचा क्या है जी हमारे पास, ए और डी, तो ए और डी को हम क्या मान के चलेंगे, यहाँ पे 15 करना है ना, तो 9 और 6 कितना करेंगे, 9 और 6, और यहाँ पे देखो 9 और 6 कहीं भी नहीं, और तो डिफरेंस अभी भी कितना आएगा, 3 का ही आएगा, डिफरेंस अभी भी 3 का ही आएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, दोनों इक्वेशंस में सेम रहेगा, जिसने 8 और 4 पुट करा है उसका भी 3 डिफरेंस आएगा, जिसने 7 और 5 पुट करा है उसका भी यही आएगा, और 2 ही बनती है हमारे पास ऑप्शन, तीसरी कोई भी नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमसे, कि टू स्टेटमेंट्स S1 एंड S2 आर गिवन बिलो बाय क्वेश्चन। ठीक है, दो हमारे पास ऑप्शंस हैं, दो स्टेटमेंट्स हैं, फिर एक क्वेश्चन पूछा गया, हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सफिशियंट है इस क्वेश्चन को देने के लिए। तो पहला क्या है, देर आर नॉट मोर देन टू फिगर्स ऑन एनी पेज ऑफ ए 51 पेज बुक। ठीक है, पहली स्टेटमेंट ये। सेकंड क्या है, देर इज एटलीस्ट वन फिगर ऑन एवरी पेज, एटलीस्ट वन फिगर ऑन एवरी पेज। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, आर देयर मोर देन 100 फिगर्स ऑन द बुक। क्वेश्चन पूछा गया कि क्या 100 से ज्यादा फिगर्स होंगी बुक पे। तो देखो बच्चे, इसमें क्या बोला गया है, पहली कंडीशन में कि 2 से ज्यादा नहीं है, और दूसरे में बोला गया कि एटलीस्ट 1 तो है ही, एक तो है ही है। ठीक है, अब एक चीज देखो बच्चे, अगर मैं यहाँ पे ये देखूं कि 100 फिगर्स चाहिए मुझे, तो पहली कंडीशन कहती है कि 2 से ज्यादा नहीं है, लेकिन 2 से कम हो सकती है ना, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 भी हो सकती है ना। तो पहली फिगर से 3 हमारे पास प्रोबेबिलिटी बनी है, कंफर्मेशन कुछ नहीं है। दूसरी फिगर अगर मैं इसके, दूसरी स्टेटमेंट अगर मैं इसके साथ ही अटैच करूं, तो लिखा हुआ है देयर इज एटलीस्ट 1 फिगर ऑन एवरी पेज, मतलब उसने इस ऑप्शन को हटा दिया, कहा कि 1 और 2, जहां तो एटलीस्ट 1 रहेगी या 2 भी हो सकती है। अगर मैं दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन भी करता हूं तो 0 वाली प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाती है, लेकिन अभी भी प्रोबेबिलिटी है हमारे पास कि जहां तो 1 फिगर होगी या 2 फिगर्स होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम ये तो नहीं कह सकते ना 100% श्योरिटी के साथ कि 100 से ज्यादा फिगर्स होंगी, क्योंकि मान लो अगर 51 पेजेस पे एक एक ही फिगर हुई तो 51 रहेगा, है ना। अगर मान लो दो 51 पेजेस पे दो दो फिगर्स हो, फिर तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई 102 आंसर आएगा हमारा, फिर ठीक है। बट अगर मान लो 2 या 3 पेजेस में भी एक फिगर हुई, एटलीस्ट 1 की बात हुई है ना, तो फिर तो आंसर नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका आंसर रहेगा कि S1 एंड S2 टुगेदर आर नॉट सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, पॉसिबिलिटी है बट कंफर्मेशन नहीं है, तो जहां कंफर्मेशन नहीं है वहां पे आप नहीं कर सकते ये चीज। ठीक है ना, आंसर करना है मुझे यहाँ पे, आर देयर मोर देन 100 फिगर्स इन द बुक। प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी, कंफर्मेशन पूछी है उसने, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 कि हमें नहीं पता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द अबव टेबल। अबव टेबल में एक्स की वैल्यू पूछी हुई है, क्या रही होगी। तो बच्चे ये क्वेश्चन बनता है मिक्सचर एंड एलिगेशन का। जैसे पहला टेबल है इंग्लिश वाला, अगर देखूं तो
तो गर्ल्स के मार्क्स है 9, बॉयज के कितने हैं 8, ओवरऑल कितने 8.8। तो एलिगेशन आएगा इस तरीके से 4:1, मतलब 4 1 बॉय है और 4 लड़कियां हैं। अब यहां पे अगर मुझे ओवरऑल एक्स के मार्क्स चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, तो गर्ल्स कितनी है भाई 4, तो मार्क्स रहे होंगे 32, है ना। अगर एवरेज मार्क्स हिंदी में 8 है गर्ल्स के, तो टोटल मार्क्स 32 रहे होंगे, यहाँ पे बॉयज के मार्क्स क्या रहे होंगे 7, तो टोटल मार्क्स कितने आ गए 39। तो ये जो 39 मार्क्स हैं ये 5 स्टूडेंट्स के हैं, 4 लड़कियां 1 लड़का, तो 5 स्टूडेंट्स के अगर मान लो 39 मार्क्स हैं, तो एवरेज मार्क्स क्या रहे होंगे 7.8, 7.8। समझ गए बात को जी। ये था क्वेश्चन हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन पर, ये सिंपल था, ये मुश्किल नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, ये भी हमारा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया है कि भाई टू स्टेटमेंट्स S1 एंड S2 आर गिवन बिलो फॉलोड बाय अ क्वेश्चन। अब स्टेटमेंट क्या है, एन इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, सेकंड एन लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। एन को जब मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो 1 रिमाइंडर देता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है जी, कि इफ एन इज अ यूनिक नेचुरल नंबर बिटवीन 10 एंड 20, 10 और 20 के बीच अगर एक यूनिक नंबर है, देन व्हाट इज एन, तो बताओ एन क्या रहा होगा। तो देखो यहां पे अगर मैं नंबर मान के चलूं 13, 13 को प्राइम नंबर है ना, एन की वैल्यू अगर 13 मान के चलो, एन क्या है प्राइम नंबर है, तो 13 की अगर मैं बात करता हूं तो 4 से डिवाइड करोगे 1 रिमाइंडर आएगा, तो 13 नंबर हो सकता है। बट ये नंबर 17 भी तो हो सकता है, 4 से डिवाइड करोगे 1 रिमाइंडर, और ये दोनों नंबर 10 और 20 के बीच है ना, और 4 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर देते हैं, और एन क्या है हमारे पास प्राइम नंबर है, मतलब ये प्राइम नंबर भी है। बट यहाँ पे एक छोटी सी चीज, एक अक्षर ने पूरा क्वेश्चन बदला है, उसने बोला है कि इफ एन इज अ यूनिक नेचुरल नंबर, एन क्या है यूनिक या नेचुरल नंबर है, मतलब ऐसा नहीं है कि दो दो नंबर हो सकते हैं, यूनिक मतलब एक ही है, तो एक तो नहीं है दो नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम इस क्वेश्चन का भी आंसर नहीं दे सकते हैं। आ गया हमारे पास कि 13 और 17 दोनों में से किसी एक की बात कर रहा है, लेकिन एन जो है वो यूनिक नंबर है, इनमें से किसकी बात हो रही है ये नहीं हमें पता, है ना। तो तुक्का नहीं मारना, इसका भी आंसर क्या होगा कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर नॉट सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन, नॉट सफिशियंट टू आंसर द क्वेश्चन, समझ गए भाई, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टू स्टेटमेंट्स S1 एंड S2 आर गिवन बिलो विद रिगार्ड टू नंबर्स फॉलोड बाय अ क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या बोला कि S1 क्या है कि देयर प्रोडक्ट इज 21 एंड देयर सम इज 10, दो अलग अलग नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट कितना है 21 है और जिनका सम कितना है जी 10 है, तो भाई ये तो हम निकाल ही सकते हैं ना, 7 × 3, सम 10 है और प्रोडक्ट कितना 21 है, मतलब अगर आप दोनों स्टेटमेंट्स को मर्ज करोगे तो यू विल गेट योर आंसर। तो इसका जो आंसर रहेगा S1 एंड S2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, बट निदर S1 अलोन और S2 अलोन सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, क्योंकि अकेले से नहीं पता चल सकता, दोनों मिलके हो तो पता चल सकता है, ठीक है जी। क्योंकि अगर मैं अकेले अकेले देखूंगा तो 21 तो 1 × 21 भी होता है ना, 3 × 7 तो चलो होता है, 1 × 21 भी होता है, सम तो 10, 2 + 8, 3 + 7, 4 + 6, 5 + 5, 1 + 9, बहुत सारे ऑप्शन बन जाएंगे, तो अकेला आंसर नहीं कर सकते, लेकिन दोनों मिलके हमें आंसर दे सकते हैं, तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये आंसर रहेगा सी ऑप्शन। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। 44 क्वेश्चन है टोटल, अभी 13th क्वेश्चन पे हम, ठीक है, अभी 14th आ गया। नेक्स्ट क्या है कि अ मैन वॉक्स डाउन द बैक साइड ऑफ द हाउस स्ट्रेट 25 मीटर्स, सॉरी ये वाला क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग का है, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन मैं स्किप करूंगा, तो नाउ आई कैन से दैट कि मैथ के 43 क्वेश्चन थे, ठीक है, तो ये हम नहीं करेंगे, ये रीजनिंग वाले में हम आपको करवाएंगे, क्योंकि वो अच्छे तरीके से आपको बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास कि टू स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉलोड बाय टू कंक्लूजन्स, ठीक है, तो दो स्टेटमेंट है दो कंक्लूजन है, तो ये मैथ का ही क्वेश्चन है। तो क्या लिखा हुआ है, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय टू, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय थ्री, ठीक है। पहले स्टेटमेंट क्या है कि सारे नंबर 2 से डिवाइड होंगे, दूसरा सारे नंबर 3 से भी डिवाइड होंगे, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन क्या है कि ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, बिल्कुल सही, 6 का डिविजिबिलिटी रूल ही यही होता है कि 2 से भी डिवाइड होने चाहिए, 3 से भी डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। कंक्लूजन 2, ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4, व्हिच इज नॉट करेक्ट, इसका तो एक सीधा साधा एग्जांपल दे देता हूं, 8 2 से तो हो जाता है, 3 से नहीं होता,
तो इसका आएगा कंक्लूजन ओनली वन फॉलोस, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोस। ठीक है, ये आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, हाउ मेनी इंटीजर्स आर देयर बिटवीन 1 टू 100 व्हिच हैव 4 एज अ डिजिट बट आर नॉट डिविजिबल बाय 4। एक से लेके 100 तक कितने ऐसे इंटीजर हैं जो चार जिनमें आता हो, जिनमें एक डिजिट चार हो बट वो चार से डिवाइड नहीं होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दूं, जैसे 14 है, ठीक है, 34 है, 41 है, 42 है जी, 43 है, 45, 46, 47, 49, 54, 74, 84 तो होता है, चलो 94। ये सारे क्या है जी? ये सारे ऐसे नंबर हैं जो जिनमें 4 तो आ रहा है एक डिजिट में बट दे आर नॉट डिविजिबल बाय 4, है ना। काउंट कर ले फटाफट अब एक बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बार कितना आ गया हमारे पास आंसर इसका? 12 आया आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? 12 होगा। ठीक है जी, आई होप ये चीज आप सभी को समझ आ गई होगी। ये तो काउंट करके बताना, फिर गलती से भी एक आधा काउंट अगर आपने कम किया, ठीक है। अब देखो एग्जामिनर की अप्रोच बड़ी खतरनाक होती है। पहला ऑप्शन उसने 5 रखा था कि अगर आप ये वाली लाइन पूरी स्किप करते हो तो तब भी ऑप्शन में तो होना चाहिए ना 5, 1, 2, 3, 4, 5। ये देखो कितना खतरनाक चीज थी, ठीक है ना। तो ये भी तो है लाइन 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, तो ये भी 4 से डिवाइड नहीं होते और 4 डिजिट है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। कह रहे कि लेट एक्स वाई बी द वॉल्यूम ऑफ एन एंड एम एन बी द मासेस ऑफ द टू मेटालिक क्यूब्स पी एंड क्यू। दो मेटालिक क्यूब्स है, एक पी और एक क्यू है, ठीक है। आपको क्या बोल दिया कि इनके जो मासिस हैं वो क्या है, एम और एन, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या बोल दिया, एक्स और वाई क्या है, क्या वॉल्यूम्स हैं। अगर मैं वॉल्यूम्स की बात करता हूं तो वो क्या है, एक्स और वाई है, ये भी लिख दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या बोला, ईच साइड ऑफ क्यू इज 2 टाइम्स दैट ऑफ पी। साइड्स की अगर हम बात करें तो पी की साइड 2 टाइम्स है एज कंपेयर टू पी, ठीक है। अगर मैं मास की बात करता हूं तो मास 2 टाइम पी एंड मास ऑफ क्यू इज 2 टाइम्स दैट ऑफ पी। मास भी क्या है, ये जो मास है ये भी 2 टाइम्स है क्यू का पी से, ठीक है। तो वॉल्यूम की बेटा अगर हम बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगी, अगर मान लो साइड्स 1:2 है और मेटालिक क्यूब्स है तो वॉल्यूम्स का रेशियो आ जाएगा 1:8, क्योंकि वॉल्यूम क्या होती है जी, साइड का क्यूब, साइड का क्यूब। तो ये इंफॉर्मेशन है। अब नेक्स्ट उसने क्या बोला है कि u इज इक्वल टू m अपॉन x एंड v इज इक्वल टू n अपॉन y, ठीक है। तो u की वैल्यू कितनी आएगी, m अपॉन x। m कितना है जी, ये रहा m मास और ये मास कितना है 1, और y कितना है, m अपॉन x है ना, x की वैल्यू कितनी है, वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 1, तो u की वैल्यू 1/1, ठीक है। और v की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो v कितना हो जाएगा हमारे पास, n अपॉन y। n कितना है जी, मास, जो कि किसके बराबर है, 2 के, और वाई क्या है, वॉल्यूम, जो किसके बराबर है, 8 के, 2/8, यानी कि 1/4 आ गया, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो यू है इट इज इक्वल टू 1/4 बी, यू इज इक्वल टू 1/4 ऑफ बी है। यहां तक क्लियर हुआ, ये चीज समझ आई ना। बी का जो 1/4 है, मतलब बी अगर मान लो यू की वैल्यू 1 है तो बी की वैल्यू क्या आएगी, 1/4 होगी। If u is equal to 1, then v should be equal to 1/4, ठीक है। तो v जो है वो 4 गुना कम है u से, तो मतलब v का जो 4 गुना होगा, v का जो 4 गुना होगा वो किसके बराबर होगा, फिर u के बराबर होगा। समझ गए ना बात को, ये चीज समझ आई भाई सभी को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, u इज इक्वल टू 4b। ये बराबर नहीं है, ये इक्वेशन मत समझना कुछ भी, बस मैं ये बता रहा हूँ कि u की वैल्यू 1 है, ये v की 1/4 है। तो v अगर 1/4 है तो छोटा होगा u से, तो u से 4 गुना कम है, तो मतलब v का 4 गुना u के बराबर है, समझ गए। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, सो दैट्स व्हाई आप कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि ये बराबर नहीं था, समझ गए ना बात को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ अ टीचर एंड 3 स्टूडेंट्स इज 20। टीचर एंड 3 स्टूडेंट्स है S1, S2, S3, इनका जो एवरेज था वो कितना है, 20, ठीक है। तो सम कितना हो जाएगा बेटा, यहां से सम भी निकाल लेते हैं, 80 हो जाएगा। आपको क्या बोल दिया उसने कि ऑल दी स्टूडेंट्स आर सेम एज, सभी स्टूडेंट्स की सेम एज है, एंड द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ टीचर एंड ईच स्टूडेंट इज 20 ईयर्स,
टीचर और स्टूडेंट की उम्र का डिफरेंस कितना है? 20 साल का है, और सबकी उम्र बच्चों की क्या है? सेम है। देन व्हाट इज द एज ऑफ टीचर? तो टीचर की एज आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो भाई टीचर अगर 20 साल का, टीचर्स का अगर स्टूडेंट के साथ 20 साल का डिफरेंस है, तो इसकी एज क्या रही होगी? टी माइनस 20। इसकी एज भी टी माइनस 20 रही होगी, इसकी एज भी टी माइनस 20 रही होगी, ठीक है, और टीचर की एज टी रही होगी। और इन सब का सम जो है वो किसके बराबर आ रहा है? हमारे पास 80 के बराबर आ रहा है। समझ रहे हो ना बात? समझ रहे हो ना बात को? तो 20, 40, 60 माइनस का 60 उधर जाके प्लस का होगा, 140 आ जाएगा, ठीक है। अपॉन टी प्लस टी प्लस टी प्लस टी कितना? 40। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? डिवाइड बाई 4, आंसर आएगा 35। आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 35। क्लियर है ना? तो टीचर की एज आ जाएगी 35 ईयर, स्टूडेंट की 15 15 साल। तो 15 15 15 15, 15 15 15, 45 प्लस 35 80, इस तरीके से आंसर निकल आएगा, ठीक है। इक्वेशन अगर बनानी आती है तो इजीली क्वेश्चन भी कर लोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ था। ये भी इजी क्वेश्चन था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारा पेपर ही मुश्किल था, कुछ क्वेश्चन इजी थे। बट बात वही है ना कि जब हम 5 6 क्वेश्चन मुश्किल देख ले, तो हम लोग पूरा पेपर ही मुश्किल लगने लग जाता है। फिर कुछ इजी भी था। अ पर्सन बोट अ कार एंड सोल्ड इट फॉर 3 लाख रुपीज, एंड इफ ही सफर्ड विद अ लॉस ऑफ 20%, देन हाउ मच डिड ही स्पेंड टू बाय अ कार? कह रहे कि कार जो है ना उसने 3 लाख में बेची, और 20% का लॉस हुआ। 20% के लॉस का मतलब क्या है? कि अगर 100 रुपए में खरीदी है तो 80 में बेची होगी, यही होता है ना 20% का लॉस। या रेशो क्या कह सकते हो? 5:4 है। तो ये जो 4 पार्ट है ना, इसकी वैल्यू 3 लाख रुपए है, ठीक है जी। तो अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा भाई? 3 लाख बटे 4 गुणा 5, ये आएगा इसका आंसर, ठीक है जी। तो इसका आंसर रहेगा 375,000, 375,000। ये देखो 75 से कैंसिल हुआ ना, 75,000 हुआ। 75 गुना 5 कितना होता है? 375, और 3 जीरो आगे लग गया, आंसर रहेगा 375,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि भाई, अ शॉप ओनर ऑफर्स द फॉलोइंग डिस्काउंट ऑप्शंस ऑन एन आर्टिकल टू अ कस्टमर। टू अ कस्टमर, तो 3 ऑप्शन दे दिए उसने, आपसे बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो वन ओनली द बेस्ट ऑप्शन फॉर द कस्टमर, टू ओनली द बेस्ट ऑप्शन फॉर द कस्टमर, थ्री ओनली द बेस्ट ऑप्शन फॉर कस्टमर, ऑल द ऑप्शंस आर इक्वली गुड फॉर द कस्टमर। और ऑप्शंस क्या है? कहता है या तो सक्सेसिव डिस्काउंट ले लो 10% का, 20% का, एंड देन पे सर्विस टैक्स ऑफ 10%। सेकेंड उसने बोला है सक्सेस डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%, देन पे सर्विस टैक्स ऑफ 10%। देन उसने कहा है कि पे सर्विस टैक्स ऑफ 10% फर्स्ट एंड देन सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10%, ठीक है। अगर आपने सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ा हुआ है, तो आपको पता होगा कि सक्सेसिव कैसे निकलता है, कि जैसे 10% है तो डिस्काउंट है 9/10, 20% है डिस्काउंट है 4/5, सर्विस टैक्स कितना हो जाएगा? 9/10। तो ये मल्टीप्लाई होगा, ये डिस्काउंट्स का हो गया मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई आगे पीछे कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट वही रहेगा, है ना। इस 4/5 को पहले करो या लास्ट में करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, है ना। इट डजंट मेक एनी सेंस। तो आगे पीछे करने से कुछ नहीं होता है, तो बस यहाँ पे नंबर आगे पीछे करें, कम ज्यादा नहीं करें, ठीक है। तो आगे पीछे करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब आंसर क्या रहेगा? इसका ऑप्शन नंबर 4, मतलब ऑल दी ऑप्शंस आर इक्वली गुड फॉर द कस्टमर, इसका डी ऑप्शन आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर्स अमंग द फॉलोइंग। पावर माइनस की है, इसको प्लस की पावर करने के लिए फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करना पड़ता है। तो इसको मैं ये कह सकता हूं कि 2 की पावर 6 है, 4 की पावर 3, 3 की पावर 4, 6 की पावर 2। ये तो 36 है, ये 81 है, तो ये खत्म। ये भी 64, ये भी 64, दोनों खत्म। बचा क्या आंसर? सी, ठीक है। बचा क्या है आंसर यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सिंपल, बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या बोला गया। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ एक्स सच दैट 3 1/2 मीटर एंड 8 3/4 मीटर आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एक्स। भाई एससीएफ का क्वेश्चन है ये भी, कि आपसे ये पूछा गया है बेसिकली कि 3 1/2 एंड 8 3/4 का एससीएफ क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन एस सी एफ का, ठीक है। तो ये बनेगा 7/2 और ये बन जाएगा 35/4। अब एस सी एफ कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन का? एस सी एफ ओ न्यूमिनेटर अपॉन एलसीएम ओ डिनोमिनेटर,
ये होता है जी फॉर्मूला एचसीएफ निकालने का। तो ऊपर एचसीएफ निकालेंगे 7 और 35 का एचसीएफ 7 होगा, नीचे एलसीएम निकालेंगे तो 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, तो कितना बनेगा 1 3 बाय 4। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इस क्वेश्चन का भी आंसर। आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। सो मैंने आज की क्लास में 22 क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए हैं, नेक्स्ट 22 अब मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर जरूर करें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी सी सेट का जो लेवल है वो ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, ठीक है। तो प्रिपेयर्ड रहना है हमें सी सेट के लिए। बाकी अगर आप नए हो हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारा चैनल, क्योंकि हम पिछले 10 साल के जो पेपर्स है, चाहे वो जीएस के पेपर्स हो चाहे वो सी सेट के पेपर्स हो, हम प्रॉपर एनालाइज कर रहे हैं, प्रॉपर आपको सोल्यूशन दे रहे हैं उसका सब्जेक्ट वाइज। बाकी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एमसीक्यूज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।